हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथ्स एक्सरसाइज है हमारी 15.1, उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं वो आपको खुद से करने होंगे। ओके, तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट स्टैटिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। द डाटा 200 स्टूडेंट्स कंडक्ट हुए। द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो डाटा है वो इस टाइप से हमने रिकॉर्ड करा। जो ओपिनियन है लाइक जो करते हैं वो है नंबर ऑफ 35 स्टूडेंट, और डिसलाइक करते हैं वो 65। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, रैंडमली अगर चूज करा जाए तो नंबर वन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ये एक तरह से फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे इवेंट क्या है हमारे पास, लाइक हम लाइक की प्रोबेबिलिटी बतानी, लाइक स्टैटिक्स। ओके, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पॉसिबल इवेंट कितने पॉसिबल हैं, लाइक कितने करते हैं, 135 स्टूडेंट लाइक करते हैं अपॉन 200, टोटल है हमारे पास 200। इसको कैंसिल करेंगे 5 से, 5 टू 10, 5 से 35, 5 से इसको 5, 4 से 20, 0, इट मींस 20/40, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। इसी टाइप से सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक, डिसलाइक इक्वल्स टू के कितने स्टूडेंट हैं ऐसे जो डिसलाइक करते हैं, 65 आउट ऑफ 200। नाउ अगेन डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, यानी 13/40, इट्स योर आंसर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफर टू क्वेश्चन 2 फॉर एक्सरसाइज 14.2, व्हाट द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। तो ये क्वेश्चन 14.2 एक्सरसाइज से, इससे ये आपकी डिस्टेंस है, इंजीनियर रहते हैं, जैसे पहला इंजीनियर है 5 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहते हैं, ये 10 किलोमीटर, 20, 25, 11, 13, इस टाइप से वो रहते हैं सबके सब। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस ऑफ, है ना, हर प्लेस ऑफ वर्क। तो 7 किलोमीटर से लेस हमने पहले सर्कल लगा दिए, 1, 2, ओके, कम 7 नहीं, 7 से कम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो कितने स्टूडेंट, कितने इंजीनियर रहते हैं, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर, ओके 7 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने हैं, 9 बाय टोटल कितने इंजीनियर हैं यहाँ पर, 40 इंजीनियर हैं। ओके, देखो 40 इंजीनियर थे यहाँ पर, ये 40 इंजीनियर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, मतलब 7 और 7 से ज़्यादा वाले, यानी कि सारे के सारे आ गए उसमें, सभी आ जाएंगे इनको छोड़ के, यानी 7 से कम वाले को छोड़ के सब आ जाएंगे 7 और मोर। तो टोटल 40 हैं, 40 में से 9 माइनस कर लो 31 बचेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और मोर देन 7 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो 31 आउट ऑफ 40, ओके इट्स योर आंसर। ये स्टेप से आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस। अब 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस से, डिस्टेंस वाला कोई है इसमें, देखो कोई भी नहीं है ना, 3 का है, 2 का भी है, बट हाफ का कोई भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ किलोमीटर इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम 0 बाय
40, इट मीन्स आपकी प्रॉबिलिटी होगी जीरो। ओके, इट्स योर आंसर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका 11 क्वेश्चन लेते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 10, ये आपको खुद से करने होंगे। ओके, 11 क्वेश्चन देखो। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 किलोग्राम एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर, ये वेट ऑफ फ्लोर दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेंट्स मोर देन 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम से ज़्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम से ज़्यादा वाले काउंट करो, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है और बाकी तो 5, ये 5 है, 5 से कम है, ये कम है 5 से, ये 5 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, तो मोर देन 5, मोर देन 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है आपके मोर देन आउट ऑफ 11, तो 7/11 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।